आज मैं आप सबसे राजस्थान की बहुत ही फेमस लहसुन मिर्च की चटनी लेके आई हूँ, जो रेसिपी बहुत ही चटपटी होगी, धमाकेदार होगी और सर्दियों के लिए ये चटनी काफी स्पेशल होने वाली है। सर्दियों में हमें कुछ ऐसा जरूर खाना चाहिए जो हमें अंदर तक गर्मी पहुंचाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लहसुन लिया है और लहसुन को हम यहाँ पे भून रहे हैं गैस पे। तो छन्नी के ऊपर डाल के हमें 100 ग्राम लहसुन को यहाँ पे भून लेना है। और भुने हुए लहसुन के आप सबको फायदे पता होंगे, काफी फायदेमंद होती है। तो आइए आज की लाइव वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये लहसुन मिर्च की चटपटी चटकारी चटनी बनाने के लिए हमें लेना है मिर्च। तो हमें यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लेना है दोस्तों। आप चाहे तो जो तीखी वाली लाल मिर्च होती है ना, उससे भी बना सकते हो, पर मैं ये कश्मीरी वाली लाल मिर्च ही ले रही हूँ, जो थोड़ी हल्की कम तीखी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा तीखा पसंद करते हो तो आप नॉर्मल लाल मिर्च साबुत भी ले सकते हो। तो ये 100 ग्राम लाल मिर्च को हमें क्या करना है, पानी में भिगो देना है करीबन आधे घंटे के लिए। और भीगने के बाद देखिए ये इस तरह से फूल जाती है काफी, और इसको हमें फिर पीस लेना है। तो ये जो हमने लहसुन भुने हैं और मिर्च जो हमने भिगोई है उसको हमें पीस लेना है। तो 100 ग्राम ही मैंने लहसुन लिया था और 100 ग्राम ही मैंने लाल मिर्च ली है। और इन दोनों को ना हमें इस तरह से देखिए पीस लेना है, जैसे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लाइव रेसिपी है तो इसलिए मैं आपको पहले से यहाँ पे पीस के दिखा रही हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और मैं इतना लंबा आपको दिखा नहीं सकती हूँ। तो बस मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि हमें मिर्चों को भिगो के और लहसुन को भून के इसके छिलके हटा के दोनों को इस तरह से पीस लेना है। तो बिना पानी डाले ही इसको पीसिएगा, क्योंकि भीगने के बाद मिर्ची में काफी ज्यादा क्वांटिटी होती है पानी की, तो इसलिए कोशिश करें कि इसको बिना पानी डाले ही पीसें। तो नमस्ते दोस्तों, जो नए लोग जुड़े हैं वो लोग प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से लाइव देख रहे हैं, कौन से शहर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पैन में करीबन 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल रखा है गरम होने को, और सरसों के तेल को हमें एकदम धुआं आने तक इसको गरम कर लेना है, इतना गरम होना चाहिए। सोनिया जी करनाल से जुड़ी हैं, हेलो सोनिया जी, कैसे हैं आप। और आप चाहें तो ना यहाँ पे तेल की जगह पे आप घी भी ले सकते हो, या फिर आप सरसों का तेल पसंद नहीं करते हो तो आप कोई और कुकिंग ऑयल भी ले सकते हो। और आप ये लहसुन मिर्च की जो चटनी मैं आज बताने वाली हूँ ना, इसको आप रोटी के संग खाइए, चावल दाल के साथ खाइए। और ऐसा तरीका लेके आए हूँ जिससे आप इसको ना करीबन 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हो। तो मैं एकदम अलग तरीके से आपके लिए ये राजस्थानी लहसुन मिर्च की चटनी लेके आई हूँ, और जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप बनाओगे ना, एकदम जबरदस्त धमाकेदार ये चटनी बनके तैयार होगी। यहाँ पे देखिए हमारा तेल गरम हो गया है, और सरसों के तेल में ये चटनी काफी यमी बनती है, तो कोशिश करें सरसों का तेल ही ले आप। तो मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया है और साथ ही में थोड़ा सा जीरा डाला है, आधी टीस्पून, और आधी टीस्पून ही मैंने राई डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे ये साबुत धनिया लिया, साबुत धनिये को ना मैंने हल्का सा कूट लिया, तो ये मैं 2 टीस्पून इसमें साबुत धनिया डाल रही हूँ। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। और अब इसमें हमने जो ये लहसुन और मिर्च भून के रखी है ना पीस के, इसको हम डाल देंगे। अगर आप लाल मिर्च पसंद नहीं करते हो ना, तो आप इसकी जगह पे चाहे तो हरी मिर्च से भी ये चटनी बना सकते हो, बट ये खास राजस्थान की चटपटी तीखी चटनी है। और मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने कश्मीरी वाली साबुत लाल मिर्च का यूज किया है, तो इसको आप अगर बहुत ज्यादा तीखा पसंद नहीं करते हो तो इसको आप कश्मीरी साबुत लाल मिर्च से भी बना सकते हो। तो ये सारा जो हमने पीसा है ना, वो मैं जार से एक बार निकाल के इसमें डाल दूंगी। सोनिया जी कह रही हैं आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, आपके बताने का तरीका भी बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सोनिया जी। तो एक्चुअली मेरे लाइव का टाइम मॉर्निंग होता है 11:45 और इवनिंग होता है कभी कभी अराउंड 4:30, बट आज मैं लाइव नहीं आ पाई। तो आज मैं आप सबके लिए आज शाम को लाइव वीडियो लेके आई हूँ, तो कोशिश करिएगा आप लोग पूरी वीडियो देखो और साथ ही में
ये जो रेसिपी है राजस्थानी लहसुन मिर्च की, ये आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो। तो सारा मैंने जार में से डाल दिया है और एक बार मैं हाथ धो के फिर आपको आखिरी का प्रोसीजर बताती हूँ। तो बहुत ही झटपट बन जाती है, इसको बनाने में भी एकदम ताम झाम नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं है दोस्तों। तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था पहले ही, ताकि ना ये चटनी जो है हमारी वो जले ना। और 200 ग्राम ये चटनी की पूरी क्वांटिटी है, क्योंकि 100 ग्राम मैंने लाल मिर्च ली थी और 100 ग्राम ही लहसुन लिया था। और जो तेल डाला है मैंने, तेल भी इसमें हल्का ज्यादा ही पड़ता है। जैसे राजस्थान में ट्रेडिशनली ये लहसुन मिर्च की चटनी बनाई जाती है, वैसे ही मैं आप सब के लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ। सविता माथुर जी नाइस रेसिपी लिख रही हैं, थैंक यू सविता जी। तो रेसिपी अच्छी लग रही हो दोस्तों तो आप सब प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, और हमारे पेज पे नए हो तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए फॉलो करना एकदम फ्री होता है, बट हमारी इससे बहुत हेल्प हो जाती है। तो देखिए इसको ना हमें, क्योंकि लहसुन को भी हमने भून के इसमें यूज किया ना, तो वैसे भी इसमें कच्चापन नहीं है, और मिर्च को भी हमने पानी में आधे घंटे के लिए अच्छे से भिगो दिया था। बस इसको हमें लंबे समय तक स्टोर करना है, इसलिए हम इसको खूब अच्छे से पका लेंगे। आप इसको ना शेजवान चटनी की तरह भी यूज कर सकते हो, ग्रेवी वगैरह में भी डाल सकते हो। जैसे आप कोई ग्रेवी बनाते हो उसमें आपको लहसुन मिर्च डालना है, तो आप इस तरह से इस चटनी का भी उपयोग कर सकते हो। तो बस एक दो मिनट हम इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे, और कोशिश कीजिएगा जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ना, लहसुन को भून के और फिर उसके छिलके उतार के डालने का, तो वो तरीके से ना चटनी एकदम स्मोकी फ्लेवर भी आता है उसमें और बहुत बढ़िया टेस्ट भी आता है। तो इसी तरह से लहसुन को भून लीजिएगा पहले और फिर उसके छिलके उतार के आप पीसिएगा। सविता जी पूछ रही है साल्ट कब डालेंगे, तो सॉल्ट हम डालेंगे अभी। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो नमक मैंने यहाँ पे करीब 1.5 टीस्पून डाला है, और जो खड़े मसाले मैंने इसमें डाले हैं ना, साबुत धनिया हो गया, जीरा हो गया, राई हो गया और हींग, इन सब का फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है इस चटनी में। और जिस तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ ना, इसको आप आराम से 1 साल तक भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। आप इसको पराठे वगैरह की स्टफिंग में भी यूज कर सकते हैं, कोई चाट वगैरह बनाते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको रोटी पे लगा के खाइए जब आपको कोई सब्जी बनाने का मन नहीं है। तो राजस्थान में तो इसको नॉर्मल चपाती के ऊपर लगा के खाया जाता है, तो बहुत ज्यादा यम्मी लगती है। अब बस ये चटनी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है दोस्तों। अब लास्ट में हम इसमें ना नींबू का रस डालेंगे। तो अब नींबू का रस डालते ही हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, ताकि इसमें कड़वापन ना आए। तो हमेशा नींबू का रस डालें तो गैस की फ्लेम को बंद करके ही डालें। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच जितना इसमें नींबू का रस डाल दिया है, और हमारी ये देखिए बहुत ही लाजवाब चटपटी कारी लहसुन मिर्च की चटनी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। लग रही है ना दिखने में एकदम धमाकेदार। तो सर्दियों में आपको कुछ तीखा चटपटा खाने का मन हो और साथ ही में सेहतमंद भी, तो आप ये रेसिपी को दोस्तों जरूर ट्राई करना, यकीनन आप सबको घर में बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और आप इस रेसिपी को जैसे मैंने बताया, आप इसको लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हो, नूडल्स वगैरह में भी इवन आप इसको यूज कर सकते हो। उर्मिला जी कह रही है सॉरी लेट ज्वाइन किया, और जल्दी से सब मसाले रिपीट कर दीजिए। कुछ ऐसे मसाले नहीं डाले हैं, खड़े मसाले ही डाले हैं, जीरा, साबुत धनिया, हींग और राई। और अगर आप जानना चाहते हो पूरी रेसिपी, तो आप दोबारा से हमारी लाइव वीडियो को देख सकते हो, जब ये लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाएगी तो पूरी रेसिपी आप वहां पे भी देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक सर्विंग बाउल ले लिया है, जब भी आप कोई रेसिपी बनाना तो उसको उसी टाइम
बर्तन से खाली कर दे और ठंडा हो जाएगा। अभी तो मैं इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफर करी हूँ, पर जब ठंडा हो जाएगा ना तो हम इसको एक एयर टाइट जार में भर के रख लेंगे। और इसको अभी सर्दियां हैं तो आप इसको आराम से 1-2 महीने फ्रिज के बाहर भी स्टोर कर सकते हो, क्योंकि सभी चीजों को हमने अच्छे से पकाया है। तो दोस्तों मेरी ये राजस्थानी लहसुन मिर्च की चटनी अच्छी लग रही है तो आप जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। आप जब तक बनाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा इसका असली स्वाद जो है। और जैसे मैंने आपको बताया इसके इतने सारे फायदे भी हैं और ये काफी यूजफुल भी है और सारी रेसिपी में, ऐसे तो आप इसको खा ही सकते हो पर आप इसको और भी कई सारी रेसिपीज में भी बना के ट्राई कर सकते हो। तो मैं इसको हल्का सा यहाँ पे डेकोरेट कर रही हूँ, यहाँ पे गार्लिक क्लोव्स है मेरे पास। तो अगर ये चटनी आपको एकदम चटकारी चटपटी लग रही है तो प्लीज आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी ये रेसिपी घर पे बना सके। और जैसा कि मैंने बताया सर्दियों के लिए ये काफी फायदेमंद रहेगी, तो आप सब जरूर बनाना ये बहुत ही चटकारी लहसुन मिर्च की चटनी। तो चलिए आज की लाइव वीडियो को मैं ही खत्म करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबके कमेंट एक बार चेक कर लेती हूँ। रेखा वर्मा जी वेरी नाइस लिख रही हैं, थैंक यू रेखा जी। संजू जी नाइस लिख रहे हैं, थैंक यू संजू जी। महेश्वरी गुप्ता जी यमी लिख रही हैं, थैंक यू महेश्वरी जी। उर्मिला जी ने थैंक्स अलॉट लिखा है, वेलकम उर्मिला जी। संगीता जी ने सुपर लिखा था, थैंक यू संगीता जी। सविता जी ने बोला है कि मैं राजस्थान से हूँ और मैं भी ये चटनी बना के जरूर देखूंगी, तो जरूर बनाइएगा आप सब। थैंक यू आप सबका हमारे साथ लाइव वीडियो में जुड़ने के लिए दोस्तों। और रेसिपी कैसी लगती है आप अपने फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलना। रागनी जी ने यमी लिखा था, थैंक यू रागनी जी। और लिख रही है रागनी जी की जाड़े में पराठे के साथ बहुत यमी लगेंगे। ऑफकोर्स आप इसको पराठे के साथ खाइए, सर्दियों में हम गोभी मूली मटर तरह तरह के पराठे तो बनाते ही हैं, तो आप इस चटनी को पराठे के साथ सर्व कीजिए या फिर चावल दाल के साथ एज ए साइड डिश, आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो मेरी ये खास लहसुन मिर्च की चटनी को आप सब जरूर ट्राई करना। और साथ ही दोस्तों मैंने इस लाइव वीडियो में कमेंट में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे मैं रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं हमारे साथ तो प्लीज व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, वहां पे आपको लाइव रेसिपीज के भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं जब भी लाइव आती हूँ वहां नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप सब इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे सारी रेसिपीज के लिंक भी होते हैं। मोनिका जी लुक्स यमी कह रही हैं, सीमा जी ने यमी लिखा है, सुमन जी सुपर कह रही हैं, तनु जी ने भी नाइस लिखा है, हरजीत जी नाइस। तो थैंक यू आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आप सबसे फिर मुलाकात होगी कल 11:45 बजे सुबह एक नई लाइव रेसिपी के साथ। थैंक यू आप सबका, बाय बाय, टेक केयर।